अभी पार्टी ने जो नेतृत्व के में भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हैं और आदरणीय श्री मोदी जी, आदरणीय श्री योगी जी और हमारी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जितना अच्छा काम किया है, सरकार ने जितना अच्छे एक सूक्ष्म समय में धामी जी ने सभी के दिलों का जीता है और एक बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए जो विकास की योजनाएं बनाई हैं वो धरातल पर सभी को दिख रही हैं। और हमारा जो आगामी 2022 का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो हमारा 60 का जो नारा था वो 60 पार कर का हमारा नारा साकार सिद्ध होना था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस समय विधानसभा की देवतुल्य जनता ये चाह रही थी कि कोई नेतृत्व यदि परिवर्तन होता है कि पिछले एक दशक से जो जनता झेल रही है, कोई विकास की योजना नहीं है, कोई रोडों का वो नहीं है, स्वास्थ्य से अभाव है और संचार व्यवस्थाओं का अभाव है, तो कुछ इस तरह से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं उनका विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्धता रही है और लोगों को लग रहा था कि समय शीर्ष नेतृत्व इस समय परिवर्तन करेगा और हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति लाएगा जो विजन हो जिसका, और सभी लोगों को लेकर जो संगठन को भी लेके चले, पार्टी को भी लेके चले और धरातल पे जो विकास की योजनाओं को लेके आ सके वो धरातल पे उतार सके। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया, राष्ट्र नेताओं ने जो फैसला किया वो हमारे सर्वोपरि है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और उस कार्यकर्ता के तहत मैं भी अभी भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के ही के तहत हम काम करेंगे। लेकिन सभी जितने भी हमारे समर्थक लोग हैं सभी लोगों की एक उन्होंने ऐसे एक चिंता व्यक्त की कि सरकार ने जो फैसला लिया, शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया वो उचित नहीं हुआ और हमें आपके बीच में हमें आपसे मार्गदर्शन चाहिए, आपने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो क्षेत्र के विकास के लिए हो। और हमने अभी अपने जो हमारे समर्थक हैं हम आपस में मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और इस समय मेरे बीच में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री प्रेमलाल त्रिकोटिया जी और हमारे जो समाजसेवी जो इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आदरणीय श्री दर्शनलाल आर्य जी, हम लोगों के बीच में एक ऐसे टाइप हुआ है कि आगामी 2022 के लिए जो शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन पर हम इस विधानसभा के लिए देवतुल्य जनता के हित में अगर कोई काम कर सकते हैं तो मिल बैठ के हम उसकी रणनीति बनाएंगे। और अभी तक हमारे बीच में अगर सभी लोगों का सानिध्य मिला तो हम लोगों के बीच में एक आदमी निर्दलीय इलेक्शन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के तहत हम फतेह करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी अगर यह शीर्ष नेतृत्व हमें इस आकलन पर अगर खरा उतरते देखती है तो अभी हमारा अभी जैसे भाई दर्शनलाल आर्य जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया हमें, हम उनके बीच में अपनी बात रखेंगे, अगर उन सशर्तों पर विधानसभा हित में जो भी निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा, देवतुल्य जनता और जो हमारे जो समर्थक हैं उनके साथ में विचार मंथन करके आगामी हम सोमवार को इसका निर्णय तय करेंगे।